सब्सक्राइब करें मोर अजी लाइव पेज को और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे पाए नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मेरे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य जी लाइव टच। तो दोस्तों फिर स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को PSL में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है और इस वीडियो में आप लोगों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, कमेंट किया है उन दोस्तों का पहले मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, पहले उनके बारे में बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या क्या रिप्लाई किया है। चलिए मैं दोस्त पहले रिप्लाई के बुक देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी जो रिप्लाई आई हुई हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो इन्होंने जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इन्होंने पूछा कि सर मेरा नाम बांड में लाल देव है और बाकी सब कागजात में शंकराराम है, तो हमें कौन से नाम से अप्लाई करें। दोस्तों जिन दोस्तों के नाम में ये प्रॉब्लम है तो उन सभी दोस्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ और जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वह सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा पूरा देखते रहिएगा और जिसमें जो बताया हो उसको फॉलो करिएगा। और यहाँ पर भी इन्होंने दो बार कमेंट किया है, भाई साहब मेरा बांध में नाम लाल देव और बाकी सब कागजात में शंकराराम है, तो मैं कौन से नाम से आवेदन करूँ, प्लीज रिक्वेस्ट बताना जल्दी से। दोस्तों इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने दो बार भी कमेंट्स किया है, तो इन्होंने मैं इनके लिए पर्सनली यहाँ पर कमेंट्स पढ़ने आया हूँ और इनका आंसर देने आया हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है फटाफट से आप लोग कमेंट कर दिया करें, मैं आप इन्फॉर्मेशन यानी कि कमेंट को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो यहाँ पर अगर आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके नाम पर, अगर आपका जो बांड है उस पर जो नाम है वहाँ पर आपको लालदेव नाम से ही करना होगा। अगर पहले आपको जाना होगा बैंक में जाने जब आपको वहाँ पर एक वेरीफाई लेटर पास कराना होगा जिसमें आपका लालदेव नाम से वो आपको पास कराना होगा, जिससे कि वो आपको यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा नाम है। अगर लालदेव नाम से है तब तो ठीक है, अगर शंकरा नाम से है तब भी ठीक है। अगर आप पास करा सकते हो तो पास करा लीजिए, नहीं तो आप सेम टू सेम वैसे रखेगा, आप बांड में जो नाम है बांड का नाम वैसे ही डलवा देना, पैन कार्ड में जो नाम हो पैन कार्ड का नाम वैसे ही डलवा देना, पैन कार्ड नंबर डिटेल जो इन्फॉर्मेशन सारा का सारा ए टू जेड हो वहाँ पर वैसे ही का वैसे ही इसको सबमिट करवा देना। पिछली वीडियो में, इस वीडियो में मैंने भी आपको यही चीज़ बताया था कि कंपनी ने भी यही चीज़ बताया था कि जिन दोस्तों का जो भी हेर फेर या बदलाव हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस चीज़ में जो डॉक्यूमेंट में जो नाम हो और जो नंबर हो सेम टू सेम वैसे ही उसको डालना हो उसके स्थान पे वही डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, अदरवाइज वहाँ पर आपका कोई सबमिट अगर आप गलत करते हैं तो वो अस्वीकार यानी कि रद्द यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ लाला राम जी, आप वहाँ पर जाइएगा बांड जहाँ बोला जाए बांड का नाम है वहाँ पर आप बांड के नाम में जो बांड में जो नाम हो वो नाम आप डाल दीजिएगा, बांड का जो सीरियल नंबर है आप वहाँ पर वो डाल दीजिएगा, अमाउंट डाल दीजिएगा, उसके बाद उसको बांड को सबमिट करवा दीजिएगा। आगे जो पैन कार्ड बोला गया तो पैन कार्ड डिटेल वहाँ पर भरेगा उसको भी सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर आपको बैंक का आएगा, बैंक का जो डिटेल्स है बैंक को में जो ए टू जेड जैसा बैंक में लिखा आप उसको बैंक का भी डॉक्यूमेंट का सारा डिटेल्स भर के उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये तीन स्टेप है, आपको इन तीनों स्टेप को सेम टू सेम वैसे ही रखना है, उसमें हेर फेर कुछ नहीं करना है, ना तो आपको नाम चेंज करना है ना तो कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है, आपको जैसा के जैसा बताया गया उसी वैसा वैसे कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पर्सनली सी भी नहीं कमेंट्स के लिए रिप्लाई देने का, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आया एक और कमेंट्स है यहाँ पर बताया गया पैसे कब तक आएंगे। दोस्तों मैं
इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपका पैसा कब आएगा जल्दी ही जल्द। इसके बाद जो जो ये वीडियो है, इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको यही वीडियो बताया कि आप लोगों को पैसा कब मिलेगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए दोस्त अपने टॉपिक शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डेली टेक्निकल वीडियो देखने को मिलेगा और चिटफंड से जुड़ी सभी कंपनियों के बारे में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर FAQ है, यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। इसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को फर्स्ट से लेकर सेकंड या थर्ड पेज का इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ और उसका बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। चलिए दोस्त, मैं अगला पढ़ता हूँ। यहाँ पर भी हो गया है, मैंने इसको, हाँ दोस्तों मैंने आप लोगों से ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को रोक दिया था, बोला था कि यदि यह एरर मैसेज आए कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार PSL का यह नंबर मौजूद नहीं है तो ऐसे में क्या करें। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नेक्स्ट वीडियो में देने को बोला था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए मैं दोस्त इसका आंसर पढ़ रहा हूं, इसमें आप लोग इसका आंसर भी देख लीजिए कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा। यदि आपके पास PSL द्वारा जारी किए गए मूल बांड प्रमाण पत्र और मूल बकाया रसीदें हैं और यदि दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करते समय आपको उपरोक्त संदेश मैसेज प्राप्त होता है तो आप PSL के रजिस्ट्रेशन नंबर संबंधी ब्यौरों के साथ साथ उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक जीमेल आईडी दी हुई है NODALODFICERPACL@SEBI.gov.in। दोस्तों मैंने इस पर एक पर्सनल वीडियो बनाया, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इसी टॉपिक पर कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, इसका मैसेज आने का रीज़न क्या है। दोस्तों मैंने उस वीडियो में सब कुछ A to Z बनाया, अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे दूर किया जाए और इसमें ये जो हम लोगों के पास मैसेज आता है कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार PSL का नंबर मौजूद नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका एक पर्सनल वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्त आप लोग का ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में, आप फ्लैश वहां जाइए उसको देख लीजिएगा। 14वां है, क्या धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन संबंधी वेबसाइट http://www.sebipslrefund.co.in भारत के बाहर भी खुलता है? जी हाँ, रिफंड पोर्टल अब भारत के बाहर भी पाकिस्तान, चीन और रूस को छोड़कर खुल सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बार जब एक्नॉलेजमेंट नंबर उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद पोर्टल में जानकारी कोई बदलाव आदि करने के लिए क्या करें। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक बार मुझको एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त हो चुका है तो क्या मैं उसके बाद पोर्टल में जो जानकारी मैंने सबमिट की है उसमें हेर फेर बदलाव कुछ कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी तभी उत्पन्न होता है जब आप दावे संबंधी आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत कर देते हैं, तदनुसार एक्नॉलेजमेंट नंबर उत्पन्न होने के बाद आप कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में ये इस टॉपिक पर बात की है कि बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके भी पूछते थे कि सर हमारा जो नाम गलत हो गया, ये गलत हो गया है, मैंने बहुत जगह पैन कार्ड स्थान पर आधार कार्ड नंबर डाल दिया, तो दोस्तों सर वहाँ पे मैं इसको चेंज कैसे करूँगा। दोस्तों मैंने फिर से वहीं पर वीडियो में बताया था कि अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त हो जाता है तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा, सबमिट करने से पहले आपको वहाँ पर सभी दस्तावेज को चेक कर लेना होगा, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है वहाँ पर चेक करना होगा कि क्या आपने सबमिट किया है और वहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, आप इन सभी को एक बार चेक करने के बाद ही लास्ट सबमिट करना होगा। दोस्तों इसका भी पर्सनल वीडियो एक और बना दूंगा जिसमें आप लोगों को जो हेर फेर होता है
उसके बाद में उसका कुछ सलूशन दे दूंगा कि आप लोग जो अगर आप लोग को कोई ये प्रॉब्लम होता है कि आपका नाम बदल गया है तो आपका नाम वहाँ पे कुछ और गलती से भर गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका रिप्लाई अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस पर एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप वहाँ को कैसे सही करें, शायद वहाँ जो मैं तरीका बताऊँ उससे शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसलिए उस वीडियो को का इंतजार करेगा आप लोगों को, कमेंट के अनुसार ही मैं उस वीडियो को दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं सर वो वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को उस वीडियो को जरूर दूंगा। अगला है, इस वेबसाइट के लिए किस वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर, यह वेबसाइट गूगल क्रोम ब्राउजर के नवीनतम संस्करण वर्जन में सबसे बढ़िया तरीके से चलता है। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने जो बताया एकदम 100% सही बताया, क्योंकि बहुत से दोस्त हमने पिछले क्रोम यानी कि उसमें फायर मोजिला बॉक्स में भी यूज करता था, बस वहाँ पर सही नहीं चलता था। फिर उसके बाद मैंने जब इसको मैंने पढ़ा यहाँ पर आकर, उसके बाद मैंने वेब यानी क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ वहाँ पर सबसे फास्ट चलता था। इसलिए दोस्तों जो बताया एकदम 100% सही है कि ये नवीनतम क्रोम ब्राउजर पे ही सबसे फास्ट चलने वाला है। तो अगला पॉइंट अगला है जो क्वेश्चन, मैं अपने दावे के संबंध में रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पूछा है कि मैं अपना जो दावा है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसका पर्सनल वीडियो भी बनाया हुआ, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आप लोग वहाँ पर जाइएगा, फटाफट से देख लीजिएगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद चलिए दोस्त इसका मैं आंसर भी पढ़ देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PSL का रजिस्ट्रेशन नंबर 2 बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर तथा कैप्चा भी डालना होगा। ये विवरण डालने के बाद रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। OTP सफलतापूर्वक डालने के बाद यदि आपके द्वारा डाले गए विवरण सही होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद आप अपने दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगला ये टॉपिक ये आएगा, मैं अपने दावे संबंधी आवेदन के लिए लॉग इन कैसे करूँ? तो यहाँ पर लॉग इन करने के लिए इन्होंने पूछा है, सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद पासवर्ड बनाने के लिए आपके कंप्यूटर पर एक स्क्रीन खुलेगा। आप अपनी पसंद का पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड 8 से 16 अक्षरों तक का ही होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक बड़ा अक्षर AZ तथा अंक 09 और एक विशेष चिन्ह अवश्य शामिल हो। सफलतापूर्वक पासवर्ड बना लेने के पश्चात बाद में आप जब लॉगिन करेंगे तब आपको PSL का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह आप लोग यहाँ पर आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और यहाँ पर आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपना डिटेल्स सबमिट करना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगला टॉपिक आता है, दावे संबंधी आवेदन फार्म में मुझे कौन कौन सी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी? दोस्तों मैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, इसलिए मैं दोस्तों आप ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करने वाला हूँ कि नहीं तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा अगला जो वीडियो होगा उसमें आप लोगों को पूरा फाइनल रहेगा, उसमें कोई भी कट नहीं होने वाली है। इसलिए ये जो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, दावे संबंधी आवेदन फार्म में मुझे कौन कौन सी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और वहां पे मैं आप लोगों को इसके बारे में लाइव प्रूफ करके दिखा दूंगा और कि कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी है दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को कहीं पर समझ में आए फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है तभी कमेंट करिए। और दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे एंड ट्विटर पे। तो दोस्तों आप लोगों को अधिक अधिक प्यार चाहिए हमारे इस चैनल पे और अधिक अधिक प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग अपना प्यार अधिक बनाए रखें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अब हम लोग भी सीखने वाले हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, तो उस लोग वो ट्यूटोरियल भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। तो प्रॉब्लम का